खुला चैलेंज, बवासीर को जड़ से ख़त्म कर देंगे, यानी पाइल्स को जड़ से ख़त्म कर देंगे। क्या आप बवासीर से परेशान हैं? टॉयलेट के रास्ते में सूजन हो गई है, असहनी दर्द होता है, जलन होती है, टॉयलेट करते समय ब्लड आता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, टॉयलेट के रास्ते की एक परत कट गई है जिसके कारण टॉयलेट करने में असहनी दर्द होता है, पेट नहीं साफ होता, टॉयलेट नहीं हो पाती, क्या टॉयलेट के रास्ते के बाहर गांठ बन गई है, मांस का मज्जा जम गया है जो कि बैठने उठने में बहुत गड़न होती है, गाड़ी चलाने में दर्द होता है, असहनी तकलीफ को झेलना पड़ता है, क्या आप अंग्रेजी दवा से परेशान हैं? दवा खाते रहने से कोई फायदा नहीं हो पा रहा है, ऑपरेशन कराने के बाद भी इस रोग से निजात नहीं मिल पा रही है, बराबर तकलीफ बना हुआ है, अत्यधिक ब्लीडिंग हो जाने के कारण बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, पूरे शरीर में सुस्ती रहती है, खाना खाने का मन नहीं करता है, चेहरे में सदैव के लिए उदासी छाई रहती है, पैदल चलने में भी काफ़ी तकलीफ होती है, कभी कभी रास्ते ऑफिस में भी ब्लड आने लगता है, टॉयलेट के रास्ते के अंदर चमड़ी कट जाने के अंदर काफ़ी घाव हो गया है, घाव में काफ़ी तकलीफ रहता है। इन समस्त समस्याओं का बिना पैसा लगाए, बिना डॉक्टर के पास जाए, औषधि से शर्तियों के साथ जड़ से ख़त्म कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं औषधि के बारे में बताना चाहता हूँ कि वो कौन सी औषधि है जो कि बिना पैसे में, बिना खर्च किए आपको 2 से 5 रुपए में यह रोग जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो उस औषधि का नाम है पोटेशियम नाइट्राइट। आप लोगों को नाम से काफ़ी घबराहट होती होगी कि पोटेशियम नाइट्राइट यह अंग्रेजी दवा है, कहाँ मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। पोटेशियम नाइट्राइट को व्यवहारिक भाषा में कलमी सोडा बोलते हैं, जो कि बड़ी किराना की दुकानों पर, हर दुकानों पर आसानी से 10 से 5 रुपए में आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि पोटेशियम नाइट्राइट यानी कलमी सोडा देखने में फिटकरी की तरह होता है, लेकिन कार्य करने के इसके गुण अलग होते हैं। इस कलमी सोडा को जब मार्केट से लाए गए तो यह बड़े टुकड़े में रहेगा, लेकिन इसको आप उपयोग नहीं कर सकते। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको खल बट्टे में डालकर इसकी कुचाई करेंगे, इसको तोड़ेंगे और इसको छोटे छोटे टुकड़े में बनाकर पाउडर टाइप बनाएंगे। ध्यान रहे, एकदम पाउडर नहीं बनाना है, इसको छोटे से छोटे टुकड़ों में बांट देना है। मित्रों ध्यान रहे, खलबट्टा बिल्कुल साफ होना चाहिए और इसको आपको पत्थर की सिलबट्टा, जहां पर आपकी मसाले की सब्जी की पिसाई होती है, उस पर कदापि नहीं पीसना है, नहीं इसका उल्टा साइड इफेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल साफ सुथरे खलबट्टे में इसकी कुटाई करना है। इसकी कुटाई करने के बाद छोटे छोटे टुकड़े में जब बंट जाते हैं तो इसको प्रयोग कैसे करना है, उपयोग कैसा करना है, इसके बारे में हम बताना चाहते हैं। अगर पुरुष को बवासीर की समस्या है तो एक बार में छोटे जो टुकड़े हैं उसको कलमी सोडा को 4 से 5 ग्राम लेना है, और अगर महिलाओं में समस्या है तो 3 से 4 ग्राम लेना है। और इस दवा को खाने के लिए, यह हार्ड होती है, आप डायरेक्ट नहीं खा सकते, तो इसके लिए जो बेस्ट कम्बिनेशन है, जैसे कि सीमेंट और बालू दोनों मिलते हैं तो काम करते हैं, अन्यथा काम नहीं करते। बवासीर को हटाने की इस दवा की जो अभिक्रिया होती है वो केले के साथ होती है, तो आपको जैसा कि देख पा रहे हैं, एक अच्छा सा स्वस्थ पका हुआ एक केला लेना है और केले के पेट पर चाकू से चीरा लगाकर उसमें जगह बना देना है, और केले के फटे हुए पेट में समस्त 4 से 5 ग्राम दवा को उसमें भर देना है, डाल देना है और बाकायदे अंदर ठूस देना है, और पुनः केले को फिर से चिपका देना है। अगर संभव हो केला न चिपक पाए तो ऊपर तागे से आप इसको बांध सकते हैं। बांधने के बाद यह क्रिया शाम को करना है, ध्यान रहे मित्रों, और बांधने के बाद इस केलों को खुले आसमान में टोकरी में रख देना है ताकि उसमें ओस भी मिले, वो भी एक प्राकृतिक गुण है। और सुबह नित्य क्रिया करने के बाद बिना कुछ खाए, बिना नाश्ता किए इस केले को पूरा खा जाना है, और खाने के बाद एक
बिना दवा वाला केला, फ्रेश केला भी खा लेना है ताकि मुंह में जो हल्का सा अजीब लग रहा है पूरा साफ हो सके। दोनों केला खाने के बाद एक घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है और पानी भी नहीं पीना है। किसी किसी इंसान के शरीर में हल्का सा मचलाहट होती है, कभी कभी हल्का सा पेट भारी होता है, लेकिन मित्रों घबराने की बात नहीं है, इससे कुछ नहीं होता। दवा काम करती है, थोड़ा सा परिवर्तन हल्का सा आता है, लेकिन उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। दवा खाने के तीसरे दिन से आपका ब्लड जाना बंद हो जाएगा, दूसरे ही दिन से दर्द दूसरे दिन से कम हो जाएगा, सूजन कम हो जाएगी, आपको चलने में तकलीफ कम हो जाएगी और लगभग एक हफ्ते में आप इस रोग से निजात पा जाएंगे। आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको संपूर्ण आराम हो गया हो तो इस दवा को 15 दिन पर एक बार इसी तरीके से पुनः फिर उपयोग कर लीजिए और फिर 15 दिन के बाद एक खुराक और ले लीजिए। यानी आराम तो आपको पहले खुराक में बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन अगर 3 खुराक दवा आप इसको इसी विधि से आप उपयोग कर लेते हैं तो आपका बवासीर जड़ से समाप्त हो जाएगा और दोबारा ऐसी कभी समस्या नहीं आएगी। ध्यान रहे, जब ये दवा आप उपयोग करेंगे तो उस समय मिर्च मसाला तेल मटन चिकन 1 महीने तक आपको नहीं लेना है और सादा भोजन लेना है, दवा ज़्यादा कारगर होगी। तो मित्रों, बिना पैसा लगाए, बिना डॉक्टरों के पास जाए, बिना परेशान हुए बवासीर से निजात पाया जा सकता है इस विधि के अनुसार। साथियों, अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि इस रोग से परेशान लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके और उनका निराकरण हो सके। धन्यवाद।